के लीजिए चाय। वो लोग तो खाना वाना खा कर ही आएंगे, आप क्यों इस तरह से चक्कर लगा के खुद को थका रहे? बेचैनी हो रही है ना, देखिए ना शादी की तारीख तय हो रही है और मुझे कुछ पता ही नहीं। सबको फोन कर रहा हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा, और ऊपर से शफक एक मैसेज तक नहीं कर रही। तो ससुराल वालों की खातिर मदारत में मसरूफ होगी ना? हाँ। अच्छा सुने, जरा बैठिए प्लीज। अरे बैठिए ना, एक मिनट बात करनी है, बैठिए ना। आपको मेरी और शफक की मोहब्बत की कहानी तो पता ही नहीं है, आज तक मौका ही नहीं मिला आपको बताने का। मैं और शफक ना बचपन से एक साथ थे, जाहिर है मेरी खाला जाद। खेलते खेलते कभी एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, नहीं चला। अम्मा जो है ना, पहले शफक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उससे चिढ़ने लगी। ये भी भूल गई कि वो ना सिर्फ उनकी होने वाली बहू है बल्कि उनकी भांजी भी है। औरत को ससुराल में मुकाम उसका शौहर ही दिलाता है। अगर आप उसके साथ खड़े रहेंगे ना, तो सबको उसे इज्जत और मोहब्बत देनी ही पड़ेगी। ये बात आप तब्रेज को क्यों नहीं समझाती? आपका भाई पटा हुआ इंसान है और ख्वाहिशों का गुलाम। यदि कोई बात उसकी समझ में आ जाए, ये बहुत मुश्किल है। रतन जी, आप बहुत सब्र वाली हैं। आप देखिएगा, आपको आपके सब्र का फल मिलेगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मैंने वक्त के साथ समझौता कर लिया। लेकिन क्यों, समझौता करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं अब्बा जी से बात करता हूँ, वो तब्रेज को समझाएंगे, और मुझे यकीन है कि मैंने कहा ना, अब कुछ ठीक नहीं होगा। खैर अभी क्या बातें लेकर बैठे हैं? आप मुझे शफक और अपना बता रहे थे। बस इतनी थी कहानी।